हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पोल्ट्री फार्म का 15वां दिन है और आज हम 15वें दिन पे अपने बर्ड्स का वज़न चेक करेंगे कि कितना वज़न हमारे बर्ड्स में आया है, कितना ग्रोथ हमारे बर्ड्स ने किया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम हर 10 दिन पे या हर 15वें दिन पे अपने बर्ड्स का वेट चेक करेंगे ताकि इससे हमको पता चल सके कि हमारे बर्ड्स में ग्रोथ कैसा है। तो वेट तो चेक करेंगे ही फार्मर्स, लेकिन इससे पहले हम आज दिन भर के मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमारे 10वें दिन से 15वें दिन के बीच में मैनेजमेंट कुछ खास नहीं था। हमने कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया है अपने फार्म पे। नॉर्मल प्री स्टार्टर फीड चल रहा था जो कि ख़त्म हो गया, और उसके बाद हमने स्टार्टर फीड चालू कर दिया था 13वें दिन से। तो आज दूसरा दिन है प्री स्टार्टर फीड का। और मेडिसिन की बात करें तो किसी प्रकार के कोई भी मेडिसिन हमने अभी अपने फार्म पे नहीं चालू किया है। और जो हमने दूसरे, तीसरे और चौथे दिन पे एंटीबायोटिक दिया था, उसके अलावा हमने किसी भी प्रकार का मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ नॉर्मल वाटर ही दे रहे हैं, और वाटर में सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करना है फार्मर्स। जो हम अपने बर्ड्स को पीने का पानी देते हैं उसमें वाटर सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि इससे वाटर में जो भी बैक्टीरिया या अन्य प्रकार के जीवाणु विषाणु होते हैं वो इससे नष्ट हो जाते हैं। तो वाटर सैनिटाइजर हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जिस टाइम हम अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे कि 6वें दिन पे, 14वें दिन पे और 21वें दिन पे, तो इस टाइम वैक्सीनेशन के टाइम में पानी हमारा नॉर्मल होना चाहिए। उसमें भी वाटर सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे वैक्सीन का जो पावर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा बाकी टाइम हम वाटर सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर हमें करना चाहिए। और तो मौसम की बात करें तो मौसम अभी ठीक ठाक है। पर्दे हमने चारों साइड के खोल रखे हैं, और अभी रात का समय है, रात के 8 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं फार्मर्स, हमने पर्दे जो हैं वो पूरे खोल रखे हैं और हमारे बर्ड्स जो हैं वो फैल फैल कर अपना फीड इनटेक कर रहे हैं। तो चलिए फार्मर्स, हम अपने बर्ड्स का वज़न चेक करते हैं कि हमारे बर्ड्स ने कितना ग्रोथ किया है। तो ये हमने तराजू काटा अपना अपने फार्म पे मंगवा लिया है, और हम इस पे 10 बर्ड्स को रखेंगे और उनका वज़न कैलकुलेट करेंगे। इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा। रेंडमली हम किसी भी बर्ड्स को पकड़ेंगे, और आप देख सकते हैं फार्मर्स, ये हमारा तराजू काटा है वो 0 है। और अब हम रेंडमली किसी भी 10 बर्ड्स को पकड़ेंगे। तो फार्मर्स, ये हमने 10 बर्ड्स को अपने तराजू काटे पे चढ़ा दिया है, और हमारे 10 बर्ड्स का वेट जो है वो 5 किलो 80 ग्राम, लगभग 5 किलो के आसपास आया है, ये आप देख सकते हैं। मतलब हमारे बर्ड्स ने 15 दिन में 10 बर्ड्स के हिसाब से 5 किलो वेट आया है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बर्ड्स ने 15 दिन में 500 ग्राम का वेट जो है वो गेन कर लिया है, यानी आधे किलो के हमारे बर्ड्स जो है वो हो चुके हैं। तो फार्मर्स, ग्रोथ ठीक ठाक है, बहुत एक्सलेंट ग्रोथ नहीं है। नॉर्मली हमारे बर्ड्स जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी किसी प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के लीवर टॉनिक वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लीवर टॉनिक के उपयोग से इनका जो है वो भूख बढ़ता है, और ये ज़्यादा फीड खाते हैं तो ग्रोथ भी और अच्छे तरीके से होगा, और उससे लीवर भी इनका स्वस्थ रहेगा। तो हम 1-2 दिन के बाद इनका लीवर टॉनिक भी स्टार्ट करेंगे, और अगर ग्रोथ हमें कम लगती है तो ग्रोथ प्रमोटर भी देंगे 21वें दिन के बाद, ताकि इनका ग्रोथ अच्छा बना रहे। तो आज का खास मैनेजमेंट यही था फार्मर्स। अगर आप लोगों को मैनेजमेंट के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल का नाम याद रखिए, हिंदुस्तान पोल्ट्री।